गांव समैन में जाट आरक्षण संघर्ष समिति में रैली के दौरान यशपाल मलिक से मारपीट के बाद गुस्साए गांव के ग्रामीणों ने घटना के विरोध में नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। थाना शहर पुलिस ने टोहाना के ड्राइवर शमशेर सिंह की शिकायत पर SDM की गाड़ी पर पथराव करने व मारपीट करने के प्रयास की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजाद टीवी न्यूज के लिए टोहाना से सुशील कुमार की रिपोर्ट। के ड्राइवर शमशेर सिंह ने आगे शिकायत कराई थी कि हम समान में जो आरक्षण संघर्ष समिति ने रैली की थी उसमें वहाँ पर जो विवाद हुआ था उस विवाद के विरोध में वहाँ पर कनड़ी गाँव में जाम लगा हुआ था। जाम में SDM साहब वहाँ पर गए थे जो इस पर SDM के ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी किसी से टूट गई जिस पर यह अभियोग अंकित किया गया। करीब 4-7 आदमियों के खिलाफ अभियोग धाराएं ना के अनुसार जो धाराएं बनती हैं सभी धाराएं लगाई गई।